नमस्कार, मैं दीपांकर दास हो रही हूँ। बेटा, आज मैं सामाजिक कहानी द्वारा प्रकाशित अपनी कहानी साझा करने जा रहा हूँ। दीपांकर दास कई नवाचारों के साथ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए जीवन आसान बनाना। अंडमान का एक युवा लड़का देश में किसानों की दुर्दशा को समझते हुए दीपांकर दास ने उनके बोझ को कम करने के लिए अभिनव मॉडल तैयार किए। दालों और अनाजों की कुशलता पूर्वक थ्रेसिंग के लिए 105 थ्रेशर, महिलाओं पर बोझ कम करने के लिए एक कम लागत वाला बर्तन वाहक, पारंपरिक चूल्हे के लिए एक हाथ से संचालित ब्लोअर, सिर से कंधों तक भार वितरित करने के लिए एक भार वहन करने वाला उपकरण, में सफाई आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई फसल क्लीनर को मैनुअल करें। इसे पढ़कर आपके मन में क्या आता है? से जुड़े कार्यों से कुछ लेना देना है ना? हाँ, आपने सही अनुमान लगाया है, लेकिन इन विचारों में कुछ और भी आकर्षक है। उपर्युक्त उपकरण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दीपांकर दास नाम के एक प्रतिभाशाली लड़के के दिमाग की उपज है, जिसने किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने में मदद की है। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी नवाचार बेकार सामग्री स्क्रैप से तैयार किए गए हैं। अपनी के अद्भुत विचारों के बारे में पढ़े जिन्होंने उन्हें ख्याति दिलाई, आइए हम उनकी पृष्ठभूमि पर एक नजर डालें। बताईदार माता पिता के घर पैदा हुए, ऐसे समय थे जब दास को उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। मैंने फूड स्टॉल लोगों के घरों में काम किया, अपनी शिक्षा के लिए छोटे मोटे काम किए। मैं भी जाने से पहले दिन के शुरुआती घंटों में अपने माता पिता के साथ काम करता था। बहुत कम उम्र से मैंने कुशलता पूर्वक समय का प्रबंधन करना सीख लिया, दास ने कहा, जो दिल्लीपुर के रहने वाले हैं। जब भी मैं फेंके गए खिलौने या अन्य स्टेशनरी आइटम देखता था, तो इसने मुझे कचरे से सर्वश्रेष्ठ बनाने का आग्रह किया। मैं बचपन से ही बेकार या टूटी फूटी वस्तुओं की खोज और प्रयोग करता रहा, ताकि उसमें से कुछ उपयोगी बनाया जा सके। जब मैं 5 साल का था, मैंने मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें बेच दिया। जब मैं 12 साल का था, तब मैंने एक धान का थ्रेशर बनाया। इसलिए नवाचार जन्मजात रहा है, और मुझे खुशी है कि मैंने रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के काम करने वाले नए तरीकों को बनाने में अपनी रुचि को महसूस करने में एक लंबा सफर तय किया है। युवा सीरियल इनोवेटर ने कहा, जब दास ने अपने माता पिता को खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते हुए बहुत संघर्ष का सामना करते हुए देखा, तो वह कुछ ऐसे तरीके इजाद करना चाहते थे जिससे उनके माता पिता का बोझ कम हो। उदाहरण के लिए, किसी की थ्रेसिंग का काम न केवल इसलिए मुश्किल था क्योंकि इससे त्वचा पर घाव हो जाते थे, बल्कि के कारण सांस की समस्या भी हो जाती। जब दास 17 साल के हुए, तो उन्होंने कुछ नवीन और उपयोगी तकनीकों पर प्रयोग किए। इनमें से एक थी सोलर पल्स थ्रेशर, एक ऐसी मशीन जो बिना बिजली के दालों और अनाज जैसे काला चना, हरा चना आदि की थ्रेसिंग में उपयोगी है। दास के इस विचार ने न केवल समय और प्रयास को कम किया, बल्कि थ्रेसिंग प्रक्रिया की लागत को कम करने में भी मदद की। यह नवाचार मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस मॉडल को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड्स 2015 से सम्मानित किया गया था। इनोवेटिव मॉडल को 20-19 सितंबर 2018 को जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन कॉम्पिटिशन के लिए नामांकित किया गया था, जहां मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और दूसरा पुरस्कार जीता। मेरे जिले के किसानों को कुछ सोलर थ्रेशर बांटे गए हैं। मैं चाहता हूं कि अन्य किसान इस मॉडल का उपयोग करें, जिसका परीक्षण और अनुमोदन पाइपलाइन में है, दास ने कहा, जो अब LJ पॉलिटेक्निक अहमदाबाद में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। दास द्वारा एक और दिलचस्प नवाचार एक कम लागत वाला जलवाहक है। दास अपनी
माँ और समुदाय की अन्य महिलाओं को अपने सिर या कमर पर पानी घोटे हुए देखा करते थे। कुछ ही समय में दास ने अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल किया और एक बर्तन वाहक के साथ आए जिसने महिलाओं पर बोझ को कम किया। उन्होंने एक महीनदार ट्रॉली भी बनाई जिससे काम आसान हो गया। दास ने बच्चों के लिए एक इंटरैक्टिव पैनल विकसित किया है ताकि वे इससे जुड़े नए अक्षर और शब्द सीख सके। सीखने को इंटरैक्टिव बनाने के लिए इस विचार को क्रियान्वित किया गया था जो अंततः खुशी और सीखने की इच्छा को बढ़ाता है कि कुछ अन्य कार्यों में एक कम लागत वाला धान ड्रायर, एक ड्रम कूटिस थर्मामीटर जमीन से महुआ के फूलों को इकट्ठा करने के लिए एक उपकरण, कृत्रिम और प्राकृतिक रूप से पके फलों को अलग करने की मशीन, कई हार्वेस्टर आदि शामिल है। असली कहानी में और भी बहुत कुछ है। जबकि हम में से अधिकांश महामारी के दौरान अपने घर तक ही सीमित थे और कुछ रचनात्मक तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रहे थे, दीपांकर को पीछे नहीं हटना है। उन्होंने आवाज के साथ स्वचालित हैंड सैनिटाइजर और स्वचालित सौर हाथ धोने जैसे कुछ नवीन तरीकों पर अपना हाथ आजमाया। ग्रासरूट इनोवेशन ऑगमेंटेशन GIF के समर्थन से दास की योजना और अधिक तरीकों के साथ आने की है जो लंबे समय में भारतीय किसानों की मदद करेंगे। मैं मौजूदा मॉडलों के लिए कुछ संशोधनों पर काम कर रहा हूँ ताकि इसे बाजार में लॉन्च किया जा सके, दास ने कहा, जो सेमिनार देते हैं और छात्र समुदाय को नवाचार के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और नवाचार के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर उन्हें संवेदनशील बनाते हैं। स्कूल स्तर से यह कहते हुए कि वह नवाचारों पर एक किताब लिख रहे हैं, दास ने कहा, मैं समाज के विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए अधिक किफायती और समाधानों के साथ आना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता को खुश देखना चाहता हूँ और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना चाहता हूँ। मैं कोडिंग मशीन लर्निंग सीख रहा हूँ और स्मार्टफोन एप्लीकेशन तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं दो विज्ञानों को एकीकृत कर सकूँ। मेरा सपना देश भर में छोटे नवाचार केंद्र खोलना है जो छात्रों, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए नवीन विचारों का पता लगाने और नवीनतम नवाचारों पर संगोष्ठियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को संवेदनशील बनाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए एक नई विधि, पर्यावरण प्रदूषण की ओर एक प्रमुख कारण है।